हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकिता गुप्ता। वेलकम टू नियर्स जर्नी। आज फिर अपन एक नए प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आपने बॉडी शॉप का नाम तो सुना ही होगा। बॉडी शॉप वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है और इसके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं। चाहे आप नायका पे चेक कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए या फिर अपन गूगल करके देखें, तो हर जगह इसके रिव्यू अच्छे मिलेंगे। और जो मेन अपनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं वो भी इसको यूज करती हुई दिखती हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि बॉडी शॉप वास्तव में इतना अच्छा है या रियली वर्क करता है, क्या है? तो मैंने भी इसीलिए बॉडी शॉप को मंगाया है और यूज करा है, देखा है कि बॉडी शॉप देखें रियली में इतना वर्क करता है या नहीं करता है, या फिर ऐसे ही सब लोग इसकी इतने ज्यादा रिव्यू देते हैं। हाँ, बॉडी शॉप अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी तारीफ करने लायक तो है, कि अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, वर्थ है, अपन मंगा सकते हैं। बट बात यह आती है कि जो अपन इस पे एक्सपेंस कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग इतना ज्यादा अपने को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के ऊपर वर्क कर रहा है इसलिए अपन उसको मंगा लें। मैटर इज दैट कि एक मिडिल क्लास के लिए 695 के प्रोडक्ट परचेज करना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। मैंने इसका फेस वॉश और टी ट्री ऑयल मंगाया था, क्योंकि ये दोनों ही है ना एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर वर्क करने के बारे में बात करते हैं। और आपको पता ही है, जैसे कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं मेरे एक्ने को रोकने के लिए पिछले साल से काफी ज्यादा वर्क कर रही हूँ, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, नए नए प्रोडक्ट यूज करके देख रही हूँ। तो मैं आपको इसके फर्स्ट अपन फेस वॉश के बारे में बात करेंगे। फेस वॉश के बारे में बता देती हूँ, ये मेन ब्लेमिश स्किन के बारे में बात करता है। ब्लेमिश स्किन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देती हूँ, जिनके है उनको तो पता होगा कि क्या होता है कि एक एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो उसमें तो क्या होता है कि एक्ने जहां होते हैं, पिंपल्स जहां उठ रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी स्किन का टेक्सचर है वो सॉफ्ट होता है वहां पे, मतलब ऐसे दरदरा रफनेस नहीं होती। पर ब्लेमिश्ड स्किन का मतलब ये है कि उसके एक्ने तो है, एक्ने के अलावा जो बाकी स्किन है वो एकदम रफ और उसपे खड्डे खड्डे से बने हुए हैं, कि मतलब सामने वाला ये बोलता है कि जैसे पिंपल्स को तो देखे, उसके अलावा ये बोलता है कि स्किन सॉफ्ट और स्मूथ क्यों नहीं है, ये इतने से दर्दरी सी क्यों हो रही है। जिसकी है उसको पता है कि कितनी अजीब सी फीलिंग आती है ऐसी स्किन देख के, बहुत ही गंदा फील होता है। तो ये जो था एक ऐसा, यही मुझे फेस वॉश दिखा जो मेन ब्लेमिश्ड स्किन पे बात करता था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। 695 में एक बार परचेज एक्सपेंस नहीं करने वाली थी क्योंकि मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा था, बट मैं इस स्किन से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मैंने काफी सारे प्रोडक्ट भी यूज करके देख लिए थे, उनसे एक्ने तो रुक गए और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो गया, बट जो ब्लेमिशनेस है वो कम नहीं हुई थी। तो अब ये एक्ने प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल नहीं करता है। कोई ये सोच के बिल्कुल मत मंगाना कि उसके काफी सारे पिंपल्स हैं तो इन पिंपल्स को रोक देगा, ये बिल्कुल पिंपल्स को नहीं रोकता है। मेरे पिंपल्स आप देख सकते हैं हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं, मेरे को इसको यूज करते 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ से ये बिल्कुल भी एक्ने प्रिवेंट रोकने का काम नहीं किया है। हाँ, इसकी एक बहुत अच्छी ये क्वालिटी है कि है ना, इसको यूज करने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट, सिल्की और आप ये बोल सकते हैं ग्लोइंग हो जाती है, स्किन का टेक्सचर एकदम इनहेंस हो जाता है, कि जैसे अपन बाहर जाके आए या मॉर्निंग में अपन ने आफ्टर नाइट इसको यूज करा तो एकदम फेस पे ग्लो आ जाता है। इसकी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और ब्लेमिशनेस का है, मुझे इसको 3 मंथ्स हो गए हैं यूज करते हुए, अभी मेरी ब्लेमिशनेस आप ये बोल सकते हैं कि 5-10% रिड्यूस हुई होगी। हाँ, मेरे को इम्प्रूव लग रहा है मेरे टेक्सचर में और है ना, मुझे ब्लेमिशनेस भी कम लग रही है, बट जब तक मुझे कोई सामने वाला या फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो ये नहीं बोल देते कि योर स्किन इज लुकिंग टू सॉफ्ट एंड जैसे बाकी गर्ल्स की लगती है, वैसा नहीं बोल देते, जब तक मैं नहीं मानूंगी कि मेरी पूरी ब्लेमिश्ड स्किन रिड्यूस हो गई है। तो हो सकता है कि 1 ईयर हो, 6 मंथ्स के यूज के बाद ये इफेक्ट दिखा दे, बट मैं हाँ ये बोलना चाहूंगी कि ये वर्थ है या नहीं है परचेज करने का मेन पर्पज, कि जिसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट या नॉर्मल है या फिर नॉर्मल उसके 2-4 पिंपल्स होते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट न खरीदे तो बेटर है, क्योंकि और भी मार्केट में ऐसे फेस वॉश है, नेट्रोजीना का है, कैटाफिल का है, और भी आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे देख सकती हैं जहाँ पे जो कम रेट में और अच्छे फेस वॉश हैं जो नॉर्मल आपकी स्किन को ग्लो दे देंगे या फिर आपके एक्ने को रोकने के लिए आपको हेल्प कर देंगे। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं टी ट्री ऑयल की। मैं आपको ये बता दूं, टी ट्री ऑयल है जो मेन, जो ये अपने पिंपल्स के जो निशान छूट जाते हैं उनको
लाइट करने के बारे में बात करता है, मेन जो टी ट्री ऑयल है बॉडी शॉप का। और मैं आपको बता दूं, मार्केट में इतने सारे एसेंशियल ऑयल हैं या फिर इतने सारे ऑयल्स हैं, पर जो टी ट्री ऑयल काम करता है बॉडी शॉप का, वो कोई नहीं करता। ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। ये बहुत ज्यादा रफ है, एक बार आपको ऐसे लगाने के बाद बहुत ज्यादा हार्श लगता है स्किन, एकदम ऐसे लगता है कि क्या आपने कुछ हैवी प्रोडक्ट यूज कर लिया। बट आपके जो एक्नी के छूटे हुए जो निशान है, वो सिर्फ टी ट्री ऑयल ही रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि मैंने काफी सारे सीरम भी यूज करे हैं, काफी सारे ऑयल भी यूज करे हैं, बट जो टी ट्री ऑयल जो मेन वर्क करता है, वैसा कोई नहीं करता। ये रियली में 15 डेज के अंदर या 20 डेज के अंदर आपके जो पिंपल्स के निशान होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, या बिल्कुल बोल सकते हैं अपन खत्म कर देता है। कुछ लोग बोलेंगे 20 दिन के अंदर तो वैसे ही निशान चले जाएंगे पिंपल्स के, नहीं जाते हैं। अगर आप, मेरा भी पिंपल हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े दो पिंपल्स हैं। अगर मैं इस पर ट्रीट इनको नॉर्मल छोड़ दूंगी, ऐसे ही कि नॉर्मली में अपन इसको, अपन सोचते हैं कि चलो नॉर्मल में इसको रिड्यूस होने देते हैं निशान्स को, तो अप्रोक्स आप ये मानिए कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे। और आप और कुछ सीरम विरम यूज करते हैं, उनसे तो कुछ फर्क ही नहीं होता है। और ये जो टी ट्री ऑयल है, ये आपके आफ्टर 15 डेज में आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिखाएगा। ये मुझे इसकी बेस्ट क्वालिटी लगी। बट हाँ, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, 695 की इतनी सी बॉटल है, और चलती भी ज्यादा नहीं है। जिसके बहुत ज्यादा एक्ने है उसको तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है ये। और मेरे तो फिर भी, चलो आप ये मानिए, एक दो होते हैं, और मैं काफी ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करके अपने बॉडी सिस्टम को करके रोक लेती हूँ, तो मेरे को ज्यादा इतना एक्सपेंसिव, चलो मेरे इतना ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकती हूँ। पर जिनके काफी ज्यादा एक्ने हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके तो काफी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। पर हाँ, जो अफोर्ड कर सकता है इस प्रोडक्ट को, और जिसके काफी ज्यादा पिंपल्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान है उनके निशानों से, उसको जरूर ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल वर्थ इट, अच्छा है। तो आज के लिए मैं इन दो प्रोडक्ट्स पे रिव्यू दूंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।